दिनांक 23 फरवरी को वोट देने जा रहे उन्नाव के सम्मानित नागरिकों, मैं दिव्यांशु पटेल बतौर मुख्य विकास अधिकारी आपसे आग्रह करता हूँ, जिलाधिकारी महोदय व मेरी पूरी टीम, शिक्षा विभाग, पंचायती विभाग व अन्य सभी विभाग जिन्होंने 2 महीने से अथक मेहनत की है और 6 महान महिलाओं के नाम पर बनाए गए 6 महिला बूथ और 29 वो गौरवशाली पल जिनसे भारत गौरवान्वित हुआ, ऐसे मॉडल बूथ एक आपको प्रेरणा दे सकें और हमारी पहली बार वोट देने जा रहे साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलें, यही हमारी कोशिश रही है। मुझे पूरा भरोसा है कल शाम तक उन्नाव हम सभी को गौरवान्वित होने का अवसर देगा और पूरे प्रदेश में अधिकतम मतदान कर अपना नाम प्रदेश में सर्वोच्च स्थान पर ले आएगा। धन्यवाद। 23 तारीख को होने वाले मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किए गए हैं? 23 फरवरी को होने वाले विधानसभा मतदान के लिए आज यहाँ से पार्टियाँ रवाना हो रही हैं। जितनी पोलिंग पार्टियाँ हैं, जितने पोलिंग सेंटर्स हैं, सब पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स लगाया गया है। 100 कंपनी CPF और लगभग इतने ही जो है हमारे जो है पुलिस के जवान, होमगार्ड्स, PRD, इन सबको इसमें जो है व्यवस्थापित किया गया है और जनपद में शांतिपूर्ण एवं सकुशल सम्पन्न चुनाव सम्पन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की गई। सर, आज पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं, क्या प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई है, कितनी पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं? विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के तहत 23 फरवरी को जनपद उन्नाव में मतदान होना है और उसी के दृष्टिगत आज हमारी पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है। आज हमने SP साहब ने, प्रभारी कार्मिक CDO साहब हैं, हम लोगों ने भी भ्रमण किया है। लगभग 25% पार्टियाँ अभी तक रवाना हुई हैं, शेष पार्टियां भी शीघ्र ही रवाना होंगी। जनपद में 2656 बूथ बनाए गए हैं और उसी के अनुसार पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं। ये शाम को 4-5 बजे तक अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच जाएंगी। पोलिंग स्टेशन पर सभी प्रकार की जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं वो पूर्ण करा दी गई हैं और जनपद में शांतिपूर्वक, निष्पक्ष और सकुशल तरीके से मतदान सम्पन्न कराया जाएगा। मैं अपने जनपद के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि 23 फरवरी को मतदान अवश्य करें, अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें।